आज हम आपको पढ़ाने वाले नहीं हैं। एक्चुअली आज जो यूट्यूब के तरफ से यानी कि गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है, उस गूगल एडसेंस का अकाउंट से जो वेरिफिकेशन पिन होता है वो आज हमें मिल चुका है। तो आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि गूगल एडसेंस पिन क्या होता है, ये एडसेंस पिन को हम लोग ऐड कैसे करते हैं गूगल अकाउंट में, एडसेंस जो पिन होता है वो आपको दिखता कैसे है, सारा चीज़ दिखाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको दिखाते हैं कि जब पहली बार पोस्ट से आता है तो दिखता कैसा है। तो वो देखिए, ये होता है गूगल एडसेंस पिन, ये होता है। और बाकी इसके बैक साइड में अभी हम इसको फाड़े नहीं है, देखिए ये आपका प्योर ये क्या है, नया है, मतलब कि इसको अभी हम रिमूव नहीं किए हैं। इसको जब हम वेरीफाई करेंगे तो उसमें हम आपको रिमूव करके ही बताएंगे। और आज ही अभी जस्ट इसको दिखाने के बाद हम आपको आपको पीसी पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं कि इसका प्रोसेस होता क्या है, शुरू से लेकर के अंत तक हम आपको बताएंगे। ये मुझे पोस्ट के द्वारा आज ही प्राप्त हुआ है और इससे हमें आपको एक वीडियो बना करके दिखा दे रहे हैं। एक्चुअली ये ब्लॉगर तो है नहीं चैनल, लेकिन फिर भी हम दिखा देते हैं ताकि आपको पता चले कि ये होता क्या है गूगल एडसेंस, ठीक है। इसके ये साइड आप देखिएगा तो यह है, यहाँ पास कुछ एड्रेस है मेरा, तो इसको तो हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए ये होता है आपका गूगल एडसेंस। अब चलते हैं हम अपने पीसी की तरफ से। हाँ, और एक चीज़ और कि आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक, बिकॉज आपको बहुत सारे नॉलेज मिलने वाले हैं। अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं अपने पीसी की तरफ। तो हम आ गए हैं अपने पीसी पर और यहाँ हम आपको आज बताते हैं कि गूगल एडसेंस पिन वेरीफाई होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा क्रोम ब्राउज़र में, और यहाँ एक क्रोम ब्राउज़र, और इस क्रोम ब्राउज़र पे आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिएगा तो आपका खुलेगा अकाउंट। और जैसे ही इस पे आप यानी आप अपने अकाउंट पे जाइएगा तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि अकाउंट में जा करके आपको यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। तो यूट्यूब स्टूडियो में जाने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आपको नहीं किया, आप इस आइकन पे क्लिक कीजिए, यहाँ से जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से खुलने के बाद आपको एक ए ऑप्शन मिलेगा यूट्यूब का, इस यूट्यूब वाले आइकन पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा तो इसमें आपका चैनल खुल कर आ जाएगा, और जैसे चैनल आएगा तो यहाँ पास फिर से आपको एक बार क्लिक करनी है। और जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पास लिखा आएगा YouTube Studio, यहाँ पास क्या मिलेगा आपको YouTube Studio। तो इस YouTube Studio पे अभी थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो यहाँ पास मिलेगा YouTube Studio, देखिए यहाँ पास आपको मिला YouTube Studio। तो इस YouTube Studio पे करना है क्लिक के, जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको सीधा ले जाएगा YT Studio में, यानी कि YouTube Studio में। चलिए देखते हैं वहाँ YT स्टूडियो में। तो हम आ चुके हैं YT स्टूडियो में, और इसमें जैसे आप YT स्टूडियो यानी कि YouTube स्टूडियो में आइएगा तो आपको सबसे पहले यहाँ देखना है सेटिंग पे जाना है, ये सेटिंग, सेटिंग पे आप क्लिक कीजिए। और जैसे सेटिंग पे क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पर चेक करना है चैनल वगैरह। तो यहाँ पास आपको इतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बैक आ जाइए सीधा, और सीधा आप यहाँ आइए मोनेटाइजेशन पे। जैसे ही मोनेटाइजेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन पे क्लिक कर करके आपको ले जाएगा कंप्लीट एडसेंस में। देखिए ये आपको यहाँ दिख रहा है कंप्लीट एडसेंस, इस पर करना है क्लिक। नेट स्लो की वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लिक कीजिएगा तो आपको गूगल एडसेंस अकाउंट को जो पिन वेरिफिकेशन ऑप्शन होता है वहाँ आपको ये लेकर के सीधा चला जाएगा।